दोस्तों, मैं सुना रहा हूं कहानी भुटको का तीसरा भाग। स्कूल से लौटकर पपी के मिलने पर भुटको काफी खुश था। फिर खाना खाकर जब वो बाहर निकला तो पपी को अपने दरवाजे पर ही पाया। फिर नाम रखवाने के लिए भुटको पंडित जी के पास जाता है, लेकिन उसे निराशा ही मिलती है। थक हार कर भुटको पपी का नाम मठरी रख देता है। अब आगे। अपने साइकिल को भुटको पंडित जी के घर से निकालकर अपने घर की ओर मोड़ता है। मठरी एक बार साइकिल के आगे वाले बास्केट से अपना चेहरा बाहर निकालता है, फिर थोड़ा और बाहर निकालने की कोशिश में बास्केट में ही पलटकर गिर जाता है। यह देख भुटको बड़े जोर जोर से हंसने लगता है। फिर अपने घर के चार दीवारी पर गेट से दूर साइकिल रोककर वह अंदर की ओर झांकता है। सुन, कहीं जाना मत, मैं अभी आया। मठरी से यह बोलकर भुटको जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। स्टडी रूम में मोहित मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और मिसेस उपाध्याय अपना काम कर रही होती हैं। भुटको दबे पांव स्टडी रूम पहुंचकर मोहित के पास जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ा झुककर बोलता है, दादा बाहर चलो ना प्लीज, जल्दी, माँ को प्लीज मत बताना। तूने फिर से गौतम से लड़ाई की है ना? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मना किया था ना, पिछले बार मुझे डांट पड़ी थी, मना करता हूं मत लड़ा कर। अरे कैसे बनेंगे तेरे दोस्त भुटको? दादा तू, भुटको ने मोहित को रोकते हुए बोला। हाँ क्या है? मोहित चिढ़ा हुआ था। मठरी आया है, भुटको ने सहमते हुए बोला और फिर बिना बोले भागकर बाहर चला गया। मोहित ने भुटको को कभी इतना डरा नहीं देखा था, इसलिए वह बिना कुछ बोले अपने स्टडी टेबल से उठकर भुटको के पीछे चलने लगा। मेन गेट से होकर दूर घर की चार दीवारी से लगी साइकिल के पास दोनों भाई पहुंचे तो बास्केट से मुंह निकालकर कू कू की आवाज करता मठरी भुटको को देखकर उछल रहा था। मोहित ने देखा तो बोला, अरे ये तो वही पपी है ना जो बाहर पेड़ के पास मिला था। भुटको ने सर हिलाया, फिर छोटा सा मुंह बनाकर मोहित की ओर देखने लगा। क्या? ओ नहीं 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 नहीं, तू पागल है, मैं नहीं पढ़ रहा इन सब में, तू ले जाए इसे बाहर छोड़ दे, पापा मार डालेंगे हमें। मोहित ने एक सांस में यह सब बोलकर कुछ कदम पीछे ले लिया। भुटको अब भी मोहित को देख रहा था। मठरी बास्केट से निकलकर मोहित को देखने की कोशिश कर तो रहा था, पर उसका पैर फिसल गया और वह फिर से बास्केट में लुढ़क गया था। कुछ देर तक जब मोहित ने देखा कि भुटको कुछ बोल नहीं रहा था तो वह साइकिल के पास आया और फिर बोला, सुन मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा और वो तो किसी को बताएगा नहीं, बोल। नहीं बताऊंगा कुछ भी, भुटको ने धीरे से बोला। तो चल फिर। साइकिल को पलटकर मोहित ने भुटको को इशारा किया। कुछ 3-4 मिनट चलने पर वो किसी घर के नीचे पहुंचे। फिर मोहित ने बोला, तू रुक इधर ही। भुटको किसी लाचार माँ की तरह सड़क के किनारे खड़ा था, जो अपने बच्चे को बेहतर सुविधाएं देना तो चाहती थी लेकिन दे नहीं सकती थी। वो मठरी को अपने दाहिने हाथ से उठाया हुआ था, लेकिन कभी कभी मठरी फिसल कर नीचे गिर जाता। भुटको सोच रहा था कि कहीं मोहित मठरी को बेचने तो नहीं लाया है। मन में यह बात आती तो वो डर जाता, फिर सोचता, नहीं ये तो नहीं होगा, भाई है उसका। 5-6 मिनटों के बाद मोहित घर से बाहर निकला। पीछे पीछे मोहित के क्लास में पढ़ने वाली स्वाति भी थी, लेकिन स्वाति तो उसके मोहल्ले में रहती नहीं थी। भुटको सोच ही रहा था कि मोहित ने आकर बताया कि स्वाति उनके मोहल्ले में नहीं आई है। स्वाति ने भुटको को हाय बोला। भुटको ने बिना कुछ बोले अपना दाहिना हाथ थोड़ा ही उठाया, फिर सोचा, अभी मठरी जरूरी है तो
तो वो हाय बाद में कर लेगा। मोहित ने भुटको से कहा, मठरी को हम यहां रख देते हैं, घर पर प्रॉब्लम होगी। भुटको ने सोचा, जब कहीं और ही रखना था तो वो भी कर सकता था, और किसी और के घर रखना ही था तो उसके घर के आमने सामने रखवाना था ना। भुटको सोच ही रहा था कि मोहित ने पूछा, बता क्या करना है? स्वाति बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी? भुटको चिढ़कर मोहित की ओर देखा और फिर बोला, बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मोहित को लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। भुटको ने मठरी की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे मठरी चाहता ही नहीं था कि भुटको उसे वहां पर छोड़े। फिर घर की हालातों को सोचकर भुटको ने कुछ नहीं कहा। उसने बड़े मायूसी से पपी को स्वाति की ओर बढ़ा दिया। स्वाति ने पहले पपी को पकड़ा, फिर भुटको को, और बड़े दुलार से कहा, मैं दोनों को रख लूं? दोनों बहुत प्यारे हैं। यह कहते हुए उसने भुटको के गाल खींच लिए। फिर उसने मोहित को देखा और इतराकर बोली, तुम्हें भी मोहित। मोहित शर्मा गया था और वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजरें भुटको से मिल गई। भुटको मोहित को ऐसा देख रहा था जैसे लड़ाई करने पर भुटको को मां देखती थी। मोहित मुस्कुराया और धीरे से बोला, स्वाति जब प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, कल मिलेंगे स्कूल में। फिर साइकिल की ओर बढ़ गया। भुटको को इशारा करके वह साइकिल को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। भुटको मठरी को देखा जा रहा था। मठरी स्वाति की गोद में था। शायद भुटको कुछ कहना चाह रहा था लेकिन मोहित ने आवाज लगाई थी, तू चल रहा है, मुझे पढ़ना है। अभी अभी तो भुटको और मठरी मिले ही थे, कुछ घंटों की ही दोस्ती तो मुकम्मल हुई थी, और ये क्या। खैर, स्वाति मठरी को गोद में लेकर घर के अंदर चली गई। भुटको दौड़कर मोहित के पास पहुंचा और पूछने के लिए मोहित की ओर देख ही रहा था कि मोहित ने बोलना शुरू कर दिया, देख स्वाति मेरी गर्लफ्रेंड है, मठरी उसके साथ रहेगा, प्लीज घर पर ना स्वाति के बारे में कुछ बोलना मत और ना मठरी के बारे में, तू समझ रहा है ना। भुटको ने सर हिलाया। बिना आगे कोई बात कहे दोनों भाई घर पहुंच गए थे। भुटको साइकिल लेकर घर के अंदर गया और मोहित दोबारा अपने स्टडी रूम में चला गया। फिर थोड़ी देर में भुटको भी स्टडी रूम में आकर धीरे से चेयर पर बैठ गया। मोहित अपने नोटबुक में नजरें गड़ाकर अपना काम कर रहा था। वैसे तो दोनों शाम में घर पर ही रहते थे लेकिन आज की शाम काफी अलग सी लग रही थी। आप सोच रहे होंगे कि उपाध्याय फैमिली को कुत्तों से इतनी नफरत क्यों है, तो हाँ उसका भी एक कारण है। तो बात 6 साल पुरानी थी। भुटको के चाचा जी मतलब उमाकांत उपाध्याय गर्मियों की छुट्टियों में घूमने आए थे। साथ में दादा दादी चाची दोनों चचेरे भाई पिंटू और बबलू के साथ उनका नया पेट टॉमी आया था। टॉमी उपाध्याय फैमिली में पाला गया पहला जानवर था, इसलिए घर में अपने रौब में अकड़ा रहता था। हिंदी भाषाविदों के घर किसी कुत्ते का ऐसा अंग्रेजी नाम सार्वजनिक वाद विवाद का विषय बनाया हुआ था। कारण यह था कि उमाकांत उपाध्याय 2010 में ही 2011 में आने वाली हॉलीवुड सिनेमा मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल के ट्रेलर से बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने सिनेमा के मेन हीरो टॉम क्रूज के नाम पर कुत्ते का नाम रख दिया था। कहते हैं कि टॉम क्रूज की तरह ही टॉमी को घर की चौथी मंजिल से उमाकांत उपाध्याय ने कुदवा दिया था, और उपाध्याय जी सभी जगह जाकर अपने कुत्ते के करामातों का पुलिया बांधते रहते थे। लेकिन टॉमी के हाव भाव से ऐसा लगता नहीं था कि वो किसी इम्पॉसिबल मिशन के लिए ज़्यादा रुचि रखता हो। तो एक दिन उमाकांत उपाध्याय घर से बाहर निकलकर अपनी बाइक को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिए और टॉमी को इशारा किया
कि वह उस बाइक के ऊपर से छलांग लगाकर दिखाए। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। करतब के लिए बच्चे, बुढ़े सभी इंतजार कर रहे थे कि शो के मुख्य किरदार मतलब हमारे टॉमी ने अपना मुंह नाक सिकोड़ लिया। उमाकांत उपाध्याय को यह बात उनके सम्मान में लग गई तो उन्होंने भीड़ में अपनी अमेरिकी स्टाइल में कहा, बडी जंप लाइक यू डू इन द गार्डन हेज। भीड़ में लोगों को लगा शायद कुत्ता हिंदी कम समझता है, आखिर समझे भी क्यों, नाम भी तो अंग्रेजों वाली है। लेकिन टॉमी तो किसी भी भाषा में मानने को तैयार ही नहीं था। उसने बार बार घर के अंदर जाने की कोशिश की लेकिन उमाकांत उपाध्याय अपने वादे के पक्के थे, इसलिए उन्होंने गले के पट्टे से खींचते हुए टॉमी को बाहर निकाला और टॉमी को डांटना शुरू कर दिया। शायद इस बार टॉमी को अपने मालिक की बातें उसके आत्मसम्मान में लग गई थी। पहले तो वो जोर से भौंका। बाकी भीड़ ये बात समझ चुकी थी कि अब वहाँ जो मनोरंजन होने वाला था उससे शारीरिक हानि होने की संभावना थी, इसलिए सभी कुछ कदम पीछे हट गए। टॉमी अपने कदम पीछे की ओर खींच रहा था। माहौल गहमा गहमी वाली थी कि उमाकांत उपाध्याय का हाथ टॉमी के गले वाले पट्टे से छूट गया। टॉमी पहले तो पीछे गया, फिर अपने अगले दोनों टांगों को उठाकर उमाकांत जी के पिछले दोनों भागों में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। मनोरंजन हो चुका था। उमाकांत उपाध्याय अपने दोनों हाथों से अपने पिछले हिस्सों को सहारा देते हुए जोर जोर से चीख रहे थे और टॉमी उसेन बोल्ट की तरह सरपट भाग रहा था। आखिर उसने मिशन इम्पॉसिबल कर दिखाया था। लेकिन उमाकांत उर्फ छोटू भुटकू की दादी के सबसे दुलारे थे, इसलिए दादी ने घर पर यह बात सबको चेता दी कि आगे से कभी कोई कुत्ता उपाध्याय भवन में कदम नहीं रखेगा। 2013 में दादी जी तो चल बसी, लेकिन श्रीकांत उपाध्याय मतलब भुटकू के पापा ने उनकी कही बात घर तो घर, घर के बाहर भी लिखवा दिए, डॉग्स आर नॉट अलाउड। इधर भुटकू और मोहित स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ ही रहे थे कि मिसेस उपाध्याय ने आवाज लगाई, मोहित मोहित बेटा स्वाति का कॉल है, बात कर लो। मोहित अपने चेयर से उछलकर दौड़कर फोन वाले कमरे में गया, फिर उसने फोन के रिसीवर को कान से लगाया। हेलो हेलो मोहित, प्लीज घर आ जाओ, इस पपी को घर ले जाओ, मेरी मम्मी काफी गुस्सा कर रही हैं, प्लीज जल्दी। मोहित ने अपने तेज धड़कती दिल को किसी तरह से संभालते हुए कुछ बोलने की कोशिश की ही थी लेकिन फोन डिसकनेक्टेड था। मोहित काफी डरा हुआ था। मिसेस उपाध्याय ने पूछा, क्या हुआ मोहित? मोहित ने अनमने ढंग से कहा, कुछ नहीं, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना था। फिर वो तेज कदमों से अपने स्टडी रूम पहुंचा और आकर भुटकू से कहा, मठरी को लाने जाना है, उसकी मम्मी ने मना कर दिया। कमरे में बड़ी अजीब सी शांति थी। भुटकू डरा भी हुआ था और खुश भी, लेकिन अब लगभग रात हो चुकी थी और मठरी को घर पर लाना बहुत मुश्किल था। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये खामोशी उपाध्याय फैमिली में आने वाले टेंशन की साइन थी। मोहित की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। भुटकू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह अपने बड़े भाई को रोता देखे। अब भुटकू के एक और भाई था तो दूसरी ओर दोस्त। बस इतनी ही थी आज की कहानी। हम इस कहानी के चौथे भाग के साथ जल्दी मिलेंगे। आशा है कि आपको भुटकू सीरीज की कहानियां पसंद आ रही होंगी। आगे की कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी रीडिंग।